राजीव, अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। वक्त हो गया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ चलने का, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तमाम खबरें फटाफट अंदाज में दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मेरठ में निकली किसान समर्थन रैली, गाजियाबाद में पहुंची जहां पर किसानों और पुलिस की बड़ी नोकझोंक भी हुई। गाजियाबाद के अर्थला इलाके में पुलिस और किसानों के बीच में रूट डायवर्जन को लेकर धक्का मुक्की देखने को मिली। बागपत में गन्ना भुगतान समेत कई समस्याओं को लेकर किसानों ने मलकपुर चीनी मिल में हंगामा किया और धरना दिया, तो वहीं किसानों के हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और किसानों को समझाकर शांत किया। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन की तरफ से श्रद्धांजलि सभा की गई और इस दौरान किसान आंदोलन में जो लोग मारे गए हैं उनको श्रद्धांजलि दी गई। यूनियन के प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों का उत्पीड़न कर रही है। हाथरस में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ज्ञापन देने से रोका गया तो वो सड़क पर बैठ गए और धरना देने लगे। सदर कोतवाली प्रभारी ने फोर्स के साथ कार्यकर्ताओं को जाने से रोका था। शामली में गन्ना मंत्री सुरेश खन्ना ने जिला प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष को अगले 30 साल तक आराम करवाना चाहिए। नोएडा में दो युवकों ने एक युवक को लाठी डंडों से पीटा। ठेली बाइक में लगने के कारण हुआ विवाद। इलाज के दौरान युवक की मौत। इसके बाद गुस्साए मृतक के परिजनों ने फेस टू रोड को जाम कर दिया। मेरठ में प्रेम प्रसंग के कारण एक युवक पर जानलेवा हमला हुआ। गांव के ही दो युवकों ने युवक पर चाकू से और बंदूक से हमला किया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल है। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया है। आगरा में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का लाइव वीडियो आया सामने। वीडियो में सड़क किनारे खड़े प्रॉपर्टी डीलर पर बाइक सवार फायरिंग करते दिख रहे हैं। अब पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। हापुड़ में दलित लड़की से गैंगरेप किया गया। चार युवकों ने पहले लड़की को किडनैप किया, फिर उसके साथ रेप किया गया। वहीं पुलिस ने मामले में अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ जारी है। बुलंदशहर में दुकान खोलने आए झूलर से दिनदहाड़े लूट की कोशिश हुई। बाइक सवार दो लोगों ने कोशिश की, वहीं जब स्थानीय लोगों ने लुटेरों का घेराव किया तो लुटेरे थैला छोड़कर मौके से फरार हो गए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।